और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदार घाटी में साल 2013 के बाद से सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान लगातार लोगों को मुस्तैदी से बचाने में जुटे हैं। इसके अलावा सेना के MI-17 और शिनूक हेलीकॉप्टर से भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। केदार घाटी में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। केदारनाथ में बादल फटने के बाद हालात बेहद खराब थे। जगह जगह रास्तों पर मलबा और चट्टाने आ गई थी। हजारों लोग रास्ते में फंसे हुए थे, जिसके बाद शुरू किया गया बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू में लगाया गया। केदारनाथ में रविवार को 1300 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर से 670 और पैदल रास्तों से 660 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बीते चार दिनों में केदार घाटी से अभी तक 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा चुका है। उधर देहरादून कंट्रोल रूम से भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। केदारनाथ घाटी में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन को 5 दिन हो चुके हैं। कहीं कोई मलबे में दबा तो नहीं है, ये जानने के लिए स्नीफर डॉग की मदद से लिनचोली से रामबाड़ा तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीमें जंगल और मंदाकिनी नदी के आसपास भी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। केदारनाथ आपदा में भारतीय सेना के जवान भी रेस्क्यू के काम में जुटे हुए हैं। सेना के जवान सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मंदाकिनी नदी पर पुल बना रहे हैं, जिससे लोगों को पैदल मार्ग से सुरक्षित निकाला जा सके। वीडियो में आप देख रहे हैं कैसे सेना के जवान जान जोखिम में डालकर उफनती मंदाकिनी नदी पर पुल बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं गौरीकुंड में भारी तबाही हुई है और अब प्रशासन के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती पैदल रास्तों को ठीक करके यात्रा सुचारू करने की है। गौरीकुंड हम पहुंच चुके हैं, न्यूज 18 की टीम यहां पहुंच चुकी है। अब यहां पे आप देख सकते हैं मंदाकिनी नदी है, काफी वेग में है क्योंकि यहां पे जो आपदा आई है जो बुधवार की रात को, उससे यहां पे काफी नुकसान देखने। सोनप्रिया से गौरीकुंड का जो रास्ता है वो करीब 3 से 4 जगह टूट चुका है और सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं रेस्क्यू की थी, लेकिन गौरीकुंड में जितने भी लोग फंसे थे इनको यहां से रेस्क्यू के करके सोनप्रयाग निकाला जा चुका है। लेकिन अब प्रशासन की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो इन रास्तों को ठीक करने के लिए है और जल्द से जल्द इन रास्तों को दुरुस्त करने के लिए है। लेकिन अब उम्मीदें ये भी जताई जा रही है कि जब तक वो रास्ते ठीक नहीं होते, यानी कि मोटर पुल जो मोटर गाड़ी का जो ये रास्ता है ये ठीक नहीं होता है, तब तक उम्मीद ये जताई जा रही है। तो ये जो पुराना अब जो रास्ता है इस रास्ते से भी काफी लोगों को निकाला गया है और अब इसी रास्ते के जरिए यहाँ पे वो जो यात्रा शुरू में जो यात्रा चलेगी तो इसी रास्ते से उम्मीदें मान के चल सकते हैं कि आप यात्रा से चल सकती है फिलहाल, जब तक यहाँ मोटर का जो ये गाड़ी का जो ये रास्ता है, गाड़ी का जो रोड है ये पूर्ण रूप से नहीं बन जाता। गाड़ी का जो रास्ता है इस बनने में कुछ समय लग सकता है, जिसके कारण अब प्रशासन कुछ दिनों बाद जब यात्रा शुरू करेगी तो फिलहाल ये वैकल्पिक रास्ता है जिससे अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 गौरीकुंड। केदार घाटी में आपदा से कई जगह पैदल रास्ते तबाह हुए हैं, जिन्हें ठीक करने का काम जारी है। सोनप्रयाग में प्रशासन की टीम कुछ रास्तों को ठीक कर चुकी है। जो हमारा सोनप्रयाग का रास्ता जो टूट गया है वहाँ पर आर्मी की सपोर्ट लिया गया और उस पर एक पैदल एक पुलिया का निर्माण किया गया है, जिससे कि कोई भी अगर सामान हमें इस पार से उस पार भेजना है उसको हम अविलंब भेज सकें। साथ ही साथ में कोई अगर बहुत ही बुजुर्ग या कोई चोटों निधर आ जाए तो उसको भी हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकें, जब तक कि मूल काम वहाँ पे स्टार्ट हम लोग न कर पाए। वही इस रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोगों ने प्रशासन की काफी मदद की। CM पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों के काम की सराहना की है। CM धामी ने कहा स्थानीय लोगों के साथ BKTC के पदाधिकारियों, सदस्यों और उनके साथ तीर्थ पुरोहित समाज और GMVN के कर्मचारियों ने पूरा सहयोग किया, जिसकी वजह से आपदा की वजह से होने वाले बड़े नुकसान को रोका जा सका। CM धामी ने सभी का आभार जताया है और कहा यही तो है देवभूमि की
अतिथि देवो भवे की संस्कृति। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ में खराब मौसम के चलते फंसे यात्रियों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। दिल्ली के कई कांवड़ियों ने सरकारी इंतजाम के लिए धामी सरकार को धन्यवाद दिया। हम 31 तारीख को बाबा केदारनाथ के वहाँ पहुँच गए थे, तब से लेके आज 5 तारीख है, तब तक वहाँ पे जो भी सुविधा हमें मिली उनका मैं अपने दिल से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। हम गंगोत्री से केदारनाथ पैदल यात्रा करके केदारनाथ पहुँचे थे। 1 तारीख को वहाँ पर रास्ते में जो भी आपदा आई, लैंडस्लाइड आई, उसके कारण हम नीचे नहीं जा सके और 4-5 दिन हमने सरकार की व्यवस्था जो थी उसमें हमने अपना बोले हैं, जो हम आए हैं धीरे धीरे करके सब आने लग रहे हैं, पहले भी आ चुके हैं नीचे जो खतरा था ऊपर, और बहुत ही अच्छा लगा इंतजाम सरकार के द्वारा। केदारनाथ आपदा के बाद ये बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। केदारनाथ में फंसे लोगों को युद्ध स्तर पर सुरक्षित निकाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।